हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितेश पांडे, आप सबका स्वागत है हमारे एनपीटी का क्लास में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा जो आपको पेटीएम पे कैशबैक मिलते हैं फास्ट पॉइंट के रूप में, उसे किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऐसे दो तरीके बताऊंगा जिसकी मदद से आप पेटीएम फास्ट पॉइंट को यूज कर सकते हैं, जो आपको पेटीएम पे फास्ट पॉइंट मिलते हैं। पहला तरीका मेरा रहेगा कि आप पेटीएम फास्ट पॉइंट को बैलेंस के रूप में कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका मेरा रहेगा कि आप पेटीएम फास्ट पॉइंट को कैसे कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करेगा। चलते वीडियो की स्टार्ट करते हैं, आपको हम बताते हैं कि कैसे आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा देख सकते हैं हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और चलते हैं अपने पेटीएम को ओपन करते हैं, जहां से हमें पता करना है कि कैसे हम पेटीएम पे जो फास्ट पॉइंट मिलते हैं उसे कैसे किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हम पेटीएम के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं और हमारा पेटीएम यहाँ पर ओपन हो चुका है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है कैशबैक वाले ऑप्शन पर। तो यहाँ से हम कैशबैक वाले ऑप्शन पर आते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारा कैशबैक वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इसे ओपन करते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे कैशबैक वाला ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं हम कैशबैक के होम स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन तरीके से हमें पेटीएम पे कैशबैक मिलता है। फर्स्ट मिलता है, यहाँ देख सकते हैं हमें पैसे के रूप में मिला है जो हमारे सीधे बैंक अकाउंट में ऐड हो जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं अभी तक मुझे 87 रुपया मिले हैं और जो हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं। दूसरा तरीका होता है कि आपको यहाँ पर पॉइंट्स के रूप में मिलते हैं कैशबैक, जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स के रूप में ही ऐड रहते हैं आपके पेटीएम पे ही। और तीसरा तरीका होता है कि आपको वाउचर के रूप में मिलते हैं, जो यहाँ पे देख सकते हैं हमें अभी तक 5 वाउचर मिल चुके हैं। और तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो यहाँ पे 992 पॉइंट्स मिले हैं इसे किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ऐसे दो तरीके बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कि पहला तरीका आपको रहेगा इस पॉइंट को यूज करने के लिए आप इसी पॉइंट्स को कैसे बैलेंस के रूप में एक्सचेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होगा कि आप कैसे इस पॉइंट से आप कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो चलते हैं इस पॉइंट्स को यूज करते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। इस पॉइंट्स को यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि इस पॉइंट्स पे क्लिक करना है इस तरीके से। जैसे आप क्लिक करेंगे आप पॉइंट्स वाले के होम पेज पे चला जाएंगे। आप देख सकते हैं पॉइंट्स हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 992 पॉइंट्स, और यहाँ पे इस तरीके से देख सकते हैं इस तरीके से पॉइंट्स हिस्ट्री। आप जैसे आप पॉइंट्स हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉइंट्स बदले हमें यहाँ पे मिला है। और इस पॉइंट्स को कैसे यूज करना है, यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपल से आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे। जैसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, अगर आप बैलेंस ग्रुप में एक्सचेंज करना चाहते हो तो यहाँ देख सकते हैं कन्वर्ट टू बैलेंस, यहाँ देख सकते हैं। अगर हम 10 रुपये आगे अगर यहाँ पे 1000 पॉइंट्स हो जाते हैं तो आप यहाँ पे 1000 पे हमें 10 रुपया मिलेगा। यहाँ देख सकते हैं 1000 पे हमें 10 रुपया मिलेगा। अगर यहाँ पे हम 5000 पॉइंट्स को यूज करते हैं, यहाँ देख सकते हैं, तो हमें 50 रुपया मिल सकता है। ऐसे करके आपको यहाँ पे 25000 पॉइंट्स तक आया है ऑप्शन है। आप 25000 पॉइंट्स अगर यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाता है 250 रुपया। इस तरीके से 25000। तो जैसे आप 25000 पॉइंट्स तो यूज करते हैं तो आपको 250 रुपये आप अपने पॉइंट्स को, इस पॉइंट्स को आप यूज करके आप बैलेंस में एक्सचेंज कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका है कि आप इस पॉइंट्स को कैसे कोई भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला है पेटीएम मूवी। तो अगर आप कोई भी मूवी अपने मतलब कि लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 500 पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि आप किसी भी बस का टिकट कर रहे हैं तो आपको इसमें यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं, आप देख सकते हैं फास्टैग। तो आप फास्टैग रिचार्ज कर रहे हैं तो उसमें आप 100 पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। DTH रिचार्ज कर रहे हैं तो आप उसमें 1000 पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी रिचार्ज कर रहे हैं तो उसमें आप यूज कर सकते हैं फास्ट पॉइंट को, आप देख सकते हैं इस पॉइंट को। इस तरीके से आप दो तरीके से यूज कर सकते हैं इस पॉइंट्स को। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे किस तरीके से हमें इस पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। तो फाइनली आप लोग समझ चुके होंगे। तो हमारा वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।